नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के सिधारी क्षेत्र में लगने वाला विजयादशमी का मेला अपनी भव्यता के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता था, परंतु कोरोना के कहर का असर व सरकारी पाबंदियों ने इस मेले की रौनक ही खत्म कर दी है, क्योंकि इस बार यहां मेला नहीं लगेगा। जबकि हर वर्ष यहां बड़े बड़े पांडाल और आकर्षक मूर्तियाँ समितियों द्वारा लगाई जाती थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शक व श्रद्धालु यहाँ आते थे, जिसके कारण यहाँ लगने वाला मेला अपनी भव्यता को दर्शाता था। लेकिन इस बार यहाँ कुछ नहीं है। पंडाल का देखरेख कर रहे सुरेंद्र गौड़ ने बताया कि यहाँ मूर्तियाँ भी स्थापित हुई, पंडाल भी सजाए गए, लेकिन यह बात नहीं थी जो पिछले वर्षों में हम लोग लगातार देखते थे। शासन की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पूजा समितियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि पंडाल का छोटे आकार में ही सजाएं और हर पंडाल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य है, जिसके कारण इस बार का विजयादशमी का त्यौहार फीका नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा नवयुवक मंगल दल के महामंत्री आलोक सिंह शुभम व जय माता दी सेवा समिति के अध्यक्ष अमित यादव गुड्डू ने, हम आपको सुनवाते हैं। पूरा परिचय आप दीजिए सबसे। मैं महामंत्री आलोक सिंह शुभम, नवयुवक मंगल दल, रामलीला मैदान, सिधारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजमगढ़ में या पूरे पूर्वांचल में नवयुवक मंगल दल का ये मेला बहुत ही फेमस रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर लगता रहा है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए हमने सिर्फ एक प्रतिमा की स्थापना की, मेले का आयोजन नहीं किया है, क्योंकि भाई जिस तरह से बीमारी फैल रही है और न फैले इसका ख्याल पूरी तरह से कमेटी ने रखा है, हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है। और हम जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए दूर दूर से, उनसे यही हमारा एक विनती है कि भाई उचित दूरी बनाएं, कम से कम लोग आएं, दूरी बना के दर्शन करते हुए निकल जाएं, भीड़ नहीं लगाएं। हमारी सभी जनपद वासियों से और श्रद्धालुओं से यही प्रार्थना है कि माता रत्नी से आप प्रार्थना करें कि ये जो महामारी फैली हुई है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम सभी अपने सामान्य जीवन में वापस लौट सकें और अगले साल इस दशहरे को और भव्य तरीके से कर सकें। पंडाल के साथ पूरा परिचय बताएं। ये जय माता दी सेवा समिति सिधारी शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, आजमगढ़, और मैं अध्यक्ष अमित कुमार यादव उर्फ गुड्डू। क्या माहौल है इस बार दशहरे को लेकर? माहौल तो ये कई सालों से प्रथा चलती आ रही है, भव्य पूजन की, भव्य मेले लगते थे, कई दुकानदार वगैरह सभी लोग आते थे, दूर दूर की दुकानें आती थी। लेकिन इस बार सारे केंद्र सरकार के गाइडलाइन और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के आसार से पंडाल छोटे बड़े, मूर्तियां छोटी रखी गई और दुकानदार वगैरह आप देख ही रहे हैं कि ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, वरना इस समय अभी तक ये पूरी आपको माहौल ये पूरा भरा हुआ दिखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोविड-19 के देखते हुए इस साल गाइडलाइन को देखते हुए ही मैं श्रद्धालुओं से भी निवेदन कर रहा हूँ, बार बार माइक के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, सारे सैनिटाइज, सारे उपलब्धियाँ रखी हुई हैं, जो भी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, और सबसे ज़रूरी चीज़ उचित दूरी बनाकर ही दर्शन करें। न जाने अभी हम लोग इस माहौल से गुजरते हुए आ रहे हैं, अभी इसकी दवा नहीं, वैक्सीन कोई बन नहीं पाई है, जिसके चलते बचाव ही एकमात्र रास्ता है।